Good morning everyone, I am Sumit Singh Meena and in this video we will discuss about the field related question. So जैसा कि मैंने लिखा था उस दिन ग्रुप पे कि अगर किसी को फील्ड रिलेटेड क्वेरीज है देन ही कैन सेंड मी द क्वेश्चंस. ओके एंड बेस्ड ऑन दैट आई हैव रिसीव्ड सम क्वेश्चंस, वी विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस ऑन इन दिस लेक्चर. ओके दीज आर रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच आई हैव सेलेक्टेड. तो अगर इस लेक्चर देखने के बाद किसी को और लगता है कि आई कैन आस्क दिस क्वेश्चन तो वो मुझे भेज सकता है, पर्सनल मैसेज कर सकता है या ग्रुप पे भी डाल सकते हैं जो RPSC का ग्रुप है. तो आई विल आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके सो दिस इज़ माई प्रोफाइल, आई एम सुमित सिंह मीणा, आई डिड माई BTech फ्रॉम NIT सिलचर, आई वर्क इन सपोजी फॉर 3 years. ओके करेंटली आई एम वर्किंग इन इंडियन ऑयल. सो दीज वर द क्वेश्चन. ओके फर्स्ट क्वेश्चन वॉज वॉट इज द स्लम वैल्यू ऑफ पम्प कॉन्क्रीट. सेकेंड क्वेश्चन वी विल डिस्कस वॉट इज कवर ब्लॉक एंड थर्ड क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ रेनफोर्समेंटेड साइट, who manage the all construction work in field. So these questions were shared by this one of our group member Aman Gore, which have username Sivdas. Okay, so we will discuss these questions today. Pehla question hai ki slump value kya honi chahiye pumping concrete ke liye. Pumping concrete matlab ki concrete ko jab pump karte hain, high rises buildings jo hoti hai unme to humko pump karna padta hai concrete ko, theek hai. तो जो स्लम वैल्यू होती है वो डिपेंड करता है, जैसे हमने IS कोड में देखा है कि IS कोड में दिया हुआ है IS 456 में कि डिफरेंट स्लम डिफरेंट मेंबर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्लम वैल्यू होती है. जैसे आइसोलेटेड फुटिंग है उसके लिए 80 mm स्लम चाहिए होता है, वैसे ही स्लैब है उसके लिए 160 to 180 mm चाहिए होता है, ठीक है. अब स्लम हम जानते हैं कि क्या होता है, वो स्लम टेस्ट सब लोग जानते हैं, वो बेसिक है, ठीक है. तो वो अभी डिस्कस करने से थोड़ा टाइम ही लगेगा और कोई फायदा नहीं, तो इसलिए हम सीधा टेक्निकल यहाँ पे डिस्कशन करते हैं. कॉलम के लिए जो स्लम्प होता है जनरली वो 150 mm का होता है, ठीक है. अब कुछ लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि बीम के लिए क्या होता है, तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब हम रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीटिंग करते हैं स्लैब को डालते हैं तो स्लैब के साथ ही बीम डलता है, ठीक है. तो अगर स्लैब का 160-180 दिया हुआ है मतलब बीम का भी वही होगा, बीम अलग से नहीं डालते, स्लैब के साथ ही बीम डालते, ठीक है. लेकिन अगर कंक्रीट हम पंप कर रहे हैं हाई राइज बिल्डिंग पे, मान लो 20 फ्लोर की कोई बिल्डिंग है उस पे अगर 20th फ्लोर पे अगर हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो कैसे करते हैं कि नीचे एक कॉन्क्रीट पम्प होता है उसमें आके TM जो होता है ट्रांजिट मिक्सर, वो ट्रक जो होता है वो आके लग जाता है और उसके पीछे ना एक हॉपर होता है उसमें वो डालता है कंक्रीट और वो फिर पंप करता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है वो, तो पाइपलाइन के थ्रू ना पंप करता है पूरे हाइट में. अब सोचो इसमें पानी है, कंक्रीट में पानी है और जब वो पंप करेगा तो वो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा तो इसमें कुछ लॉस होगा पानी का, तो पानी का लॉस होगा मतलब स्लम्प का भी कुछ लॉस होगा. तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है फील्ड पे. इसकी वजह से क्या होती है कि बार बार पाइपलाइन अगर सही क्वालिटी का सही स्लम्प वैल्यू का कंक्रीट हम नहीं दे रहे तो उसमें क्या होता है कि पानी का वो लॉस होगा, उसकी वजह से जो कंक्रीट होता है वो बीच में ही स्टक हो जाता है और ऊपर तक जाता ही नहीं, पंप पाइपलाइन जो है उसके बीच में अटक गया कंक्रीट, अब ऊपर नहीं जा रहा तो वो फिर पूरी पाइपलाइन खोलो पूरा कंक्रीट बिखर जाता है नीचे, फिर सही कंक्रीट लाओ और वो फिर जाके पंप होता है, ठीक है. तो उसमें बहुत वेस्टेज होता है, ठीक है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है साइट पे. जनरली प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम है ना उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम अगर कंक्रीट सही नहीं आया तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले ही हमको मेजर कर लेना है कि जब कंक्रीट पंप कर रहे हैं तो उसमें हम कॉलेप्स स्लम्प लेके करते हैं कि एकदम कॉलेप्स हो गया स्लम्प, ठीक है, बिल्कुल. तो वो वाला कॉलेप्स स्लम्प जो होता है वो हम लोग यूज करते हैं, जिससे क्या ऊपर जाते जाते उसका जो वाटर लॉस भी होगा तो हमको 160 से 180 का स्लम्प मिल जाएगा. और कॉलम और वॉल जो है उनमें क्या होता है कि हैवीली रेनफोर्स्ड होते हैं तो उनके लिए हम जनरली सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट यूज़ करते हैं अगर हाई राइज बिल्डिंग की बात करें, और हैवीली रेनफोर्स्ड है तो उसमें क्या कंपैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा कंक्रीट डालो वो ऑटोमेटिक कंपैक्ट हो जाता है. सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट क्या होता है, ये भी नॉर्मल कंक्रीट ही होता है, बस इसके कंपोजिशन में थोड़ा चेंज होता है, इसमें कुछ एडिटिव मिलाते हैं और उसकी वजह से ये सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट हो जाता है, ये खुद ही कंपैक्ट होता है, ठीक है. इसमें कंपैक्शन के लिए वाइब्रेटर जो होता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती.
तो इसके बारे में तो हम आगे भी बात करेंगे जब हम डिज़ाइन मिक्स के अगला 2-3 लेक्चर के बाद हो सकता है डिज़ाइन मिक्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि डिज़ाइन मिक्स कैसे बनता है, ठीक है, तो उसमें हम बात करेंगे। तो फिलहाल ये समझ में आ गया कि पंपिंग कंक्रीट के लिए स्लब क्या होता है और क्या क्या इश्यू हो सकता है। एक ये और है कि जब सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम फ्लोटेबल टेस्ट जो होता है ना वो यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसमें 600 mm का हमको फ्लो मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे उसको गिरा देते हैं, उसका रेडियस मेजर करते हैं फ्लो टेस्ट। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ कवर ब्लॉक इन कंस्ट्रक्शन। सो कवर ब्लॉक आर प्रोवाइडेड फॉर द प्रॉपर क्लियर कवर, ओके, कि वो जो रेनफोर्समेंट के बाहर जो क्लियर कवर होना चाहिए वो प्रॉपर हम कैसे इंश्योर करेंगे, तो उसके लिए हम कवर ब्लॉक्स लगाते हैं, ठीक है। तो कवर ब्लॉक जैसे ये वाला है, ये वाला फोटो देखो, तो इसमें ये जो है ये कवर ब्लॉक है, इस तरफ भी कवर ब्लॉक है। अब इसमें अगर 40 mm का हमको क्लियर कवर देना है रेनफोर्समेंट में, तो ये कंक्रीट का एक कवर ब्लॉक बनाएंगे और इसको इसके बांध देंगे रेनफोर्समेंट के, तो ये प्रॉपर कवर दे देगा, ठीक है। अब जब रेनफोर्स वो शटरिंग आएगा तो शटरिंग जस्ट इसके ऊपर लगेगा, तो ये रेनफोर्समेंट है, ये शटरिंग है, इसके बीच में कवर ब्लॉक है, तो वो कवर प्रॉपर कंक्रीट कवर जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये दो तरह के हो सकते हैं बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग, कि कंक्रीट का भी बना सकते हैं। कंक्रीट का कवर ब्लॉक कैसे बनाते हैं, जैसे ये तो सर्कुलर बना है, इसको कुछ भी बना सकते थे, रेक्टेंगुलर शेप का भी बना सकते थे, ठीक है, ऐसा कोई शेप का कोई फिक्स नहीं है। बनाते कैसे हैं, सीधा सा प्रोसेस है, सीमेंट लेते हैं, रेता लेते हैं, सैंड लेते हैं, ठीक है, सैंड और सीमेंट मिला के उसको जैसे बर्फी बनाते हैं ना ट्रे में, वैसे पूरा एक लेयर बना देते हैं। वो लेवर लेयर को हम चेक कर लेते हैं, उसका हाइट मेज़र कर लेते हैं कि कितना mm का ब्लॉक बनाना है, उसकी हाइट उतनी होनी चाहिए, फिर उसको जब उसको बर्फी के पीस की तरह काट लेते हैं और ऐसे बना बन जाता है, ठीक है। उसमें छोटे छोटे वायर लगा देते हैं बीच बीच में, जिससे क्या बांधने के लिए पीछे काम आ जाए, ओके। लेकिन उनके एक फिक्स्ड स्ट्रेंथ होती है और उसको मतलब वो ज़्यादा हैवी रेनफोर्स्ड होगा, रेनफोर्समेंट है जैसे इसमें है, ठीक है, फुटिंग में, तो इसमें क्या होगा कि वो टूट जाएंगे और या फिर उसकी स्पेसिंग कम करनी पड़ेगी, बहुत पास पास लगाने पड़ेंगे, इसलिए हम क्या लगाते हैं, पीवीसी, पीवीसी के जो ये कवर ब्लॉक है ये लगा देते हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ होती है वो इससे ज़्यादा मजबूत होती है, ठीक है। तो ये जैसे इसमें अगर देखोगे ना तो बहुत दूर से दिखाई दे रहा होगा, ये छोटे छोटे ब्लैक डॉट दिखाई दे रहे हैं ना, ये पीवीसी के लगाए हुए हैं, ठीक है, ये वाला। लेकिन ये कॉस्टली होते हैं, इसलिए स्लैब में तो हम प्रेफर करते हैं, जनरली हम प्रेफर करते हैं कि कंक्रीट का ही यूज़ करें, ठीक है। लेकिन ऐसे फाउंडेशन का रेनफोर्समेंट, क्योंकि ये बहुत हैवी रेनफोर्स्ड है, देखो कि कितने बड़े बड़े सरिये लगे हैं इसमें, तो इसका लोड लेने के लिए ये लोड ले नहीं पाएगा, ये कंक्रीट का जो सैंड का सीमेंट का जो बनाया हमने वो, इसलिए हम पीवीसी का यूज़ करते हैं, ठीक है। वही है, कॉस्ट इसका ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करते पीवीसी वाले को, स्लैब में हम जनरली कंक्रीट वाला ही यूज़ करते हैं, स्लैब बीम इन सब की स्पेसिंग में, कॉलम की स्पेसिंग में, क्योंकि कॉलम की स्पेसिंग में भी कोई लोड नहीं आ रहा होगा ज़्यादा इसके ऊपर, लेकिन फाउंडेशन में हम पीवीसी यूज़ करते हैं। और क्वालिटी कंट्रोल में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर क्लाइंट बोलेगा कि पीवीसी ही यूज़ करना है तो हमको पीवीसी यूज़ करना पड़ेगा फिर, ठीक है। उसके बाद है हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ रेनफोर्समेंट एट साइट। अब दो चीज़ें हैं, एक तो साइट पे मतलब बाहर पड़ा हुआ है उस रेनफोर्समेंट को, एक हमने अंदर रेनफोर्समेंट डाल दिया और उसके ऊपर कॉन्क्रीट डाल दिया, दो तरह के रेनफोर्समेंट में कोरोजन हो सकता है। बाहर पड़ा है वो एक्सपोज है वेदर से और पानी वानी लग रहा है, तो वो रस्टिंग होगी, फिर कोरोजन होना शुरू हो जाएगा उसमें, ठीक है। अगर कोई कंक्रीट के अंदर भी है लेकिन बाहर एक्सपोज हो गया थोड़ा भी, तो उसमें रस्टिंग होगी और वो कंक्रीट को ऐसे एक्सपांड होगा और क्रैक डेवलप करना शुरू कर देगा। हम बात करते हैं कि पहले बाहर जो पड़ा होता है साइट पे, जो रेनफोर्समेंट पड़ा होता है, ट्रक से आया अनलोड किया, वो रस्ट नहीं हो, ठीक है, क्योंकि उसको कितना हम ऐसा इतना मंगाते हैं, कम से कम 1 महीने तो चल जाए, तो वो उसको प्रोटेक्शन, उसके प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसके प्रोटेक्शन के लिए IS 4086, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें लिखा हुआ है कितना हाइट पे होना चाहिए ये सब, बट उसके अकॉर्डिंग IS कोड है उसके लिए भी, रेनफोर्समेंट को कैसे स्टैक करना है और कैसे स्टोर करना है उसके लिए।
तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका स्टैगिंग करते हैं, मतलब उसको प्रॉपर जमा के रखते हैं। जैसे ये इन्होंने जमा के रखा, देखो इन्होंने क्या किया, पहले से स्टील के ये वो बनाया प्लेटफॉर्म, राइज्ड प्लेटफॉर्म, कम से कम 150 mm अबव होना चाहिए ग्राउंड से, ठीक है। तो ये इन्होंने बनाया हुआ है, जैसे इन्होंने बनाया हुआ है लकड़ी का बनाया हुआ है, ठीक है। कई जगह पे ये सीमेंट का बना लेते हैं, जैसे सीमेंट के, जैसे रेल का पेडेस्टल होता है ना, रेल के नीचे जो होता है स्लीपर्स कंक्रीट के, वैसे स्लीपर्स बना के उनके ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। तो एक प्रॉपर 150 mm हाइट पे ऊपर होना चाहिए रेनफोर्समेंट, नहीं तो अगर माटी के टच में रहेगा तो ये इरोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर स्टैगिंग होनी चाहिए उसकी। अगर रेनफोर्समेंट 1 महीना 2 1 महीना तो ठीक है, 1 महीने में तो वो कोरोड नहीं होगा, लेकिन ऐसी जगह जब बरसात होती रहती है बार बार, तो उस जगह पे हमको उसको जो है कवर करके रखना चाहिए, ठीक है। उसको या तो शेड के अंदर रखना चाहिए या फिर उसको किसी भी चीज़ से कवर कर देना चाहिए, नहीं तो वो जल्दी से कोरोड हो जाएगा। अब मान लो कि किसी स्ट्रक्चर में हमने बना दिया, यहाँ पे कॉलम है, ये एक्सपोज हो गए और बहुत दिन तक एक्सपोज रहेंगे, तो इसका क्या करेंगे? तो इसका क्या करते हैं कि इसमें या तो प्राइमर या पेंट लगा दो। अगर 2 3 साल तक अब कुछ काम ही नहीं चलेगा तो प्राइमर या पेंट कर दो इसके ऊपर, जिससे क्या कोरोजन नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा है कि 2 3 4 महीने की बात है फिर काम शुरू हो जाएगा, तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि वो प्राइमर तो महंगा होता है, इसलिए क्या कर सकते हैं कि सीमेंट और पानी का एक मिक्सर बनाओ 1:3 के रेशियो में, 1 सीमेंट 3 वाटर, और सीमेंट और वाटर का वो जो पेस्ट है उसको उसको ब्रश से ऐसे लगा लगा के इसके ऊपर पेंट कर दो, ठीक है। तो अभी वो कोरोड नहीं होगा, वो प्रोटेक्ट करके रखेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, अगर और कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड भी तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एड्रेस दैट दोज क्वेश्चंस, या फिर मैं वहाँ पे भी कमेंट कर दूंगा और एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है कि ये क्वेश्चन था कि हु मैनेज द प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का देखो तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। तो ये मैं प्राइवेट वाला बता रहा हूँ, तो प्राइवेट में कैसे मैनेज होता है, जनरली गवर्नमेंट में भी ऐसा ही होता है, बट थोड़ा पोस्ट का जो नेम है, डेजिग्नेशन जो है वो चेंज हो जाती है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ये एक प्रोजेक्ट का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है, ठीक है। हर प्रोजेक्ट का एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट लगा हुआ है। अगर तुम सरकारी नौकरी में जाओगे वहाँ पे भी एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है, प्राइवेट में भी एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है। ये एक प्रोजेक्ट हेड होते हैं सबसे पहले, जो पूरे प्रोजेक्ट को देखते हैं। उनकी जिम्मेदारी है, कुछ भी अगर प्रोजेक्ट पे होती है, उस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट पे जो भी होगा वो उनकी जिम्मेदारी। उनके अंदर टीम होती है, एग्जीक्यूशन टीम, जो साइट पे सारा काम देखती है कि लेबर को संभालने का काम, कि लेबर आज कौन सा काम करेगी, वो सब। सर्वेइंग की टीम होती है, वो सर्वेइंग की टीम क्या करती है, वो जाके अपना टोटल स्टेशन उठा के रोज़ सुबह सुबह मार्किंग कर देती है कि आज इस जगह का कॉलम लगेगा, तो उस कॉलम की मार्किंग कर दी, स्लैब की आउटर की मार्किंग कर दी। ये सारी मार्किंग का काम एग्जीक्यूशन और सर्वेइंग टीम दोनों मिलकर आपस में बात करके कर लेती है। कॉमर्शियल और बिलिंग टीम, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग देखते हैं कि जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो एग्जीक्यूशन की टीम जिन लोगों से काम करवा रही है, वो कॉन्ट्रैक्टर है, लेबर के कॉन्ट्रैक्टर है, कुछ शटरिंग रेनफोर्समेंट और एक्टिविटीज़ के कॉन्ट्रैक्टर है, उनसे जिनसे एग्जीक्यूशन टीम काम करवाती है, उनका पैसे का जो बिल बनता है वो कॉमर्शियल वाली टीम करती है। वो तो फिर एग्जीक्यूशन और कॉमर्शियल टीम जो है दोनों आपस में बातें करके उसका बिल फाइनल करते हैं, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, वो लोग पहले चेक करने जाते हैं कि सारी चीज़ें प्रॉपर तो है ना, फॉर्मवर्क सही से लगाया है ना, ठीक है, क्वालिटी को चेक करते हैं। बाकी वो लोग फिर कंक्रीट की क्वालिटी, उनके पास पूरी लेबोरेटरी होती है, ठीक है, उसमें चेक करते हैं। नाउ स्टोर वाला होता है, वो अपना स्टोर में अपना सामान जो भी रखा हुआ है वहाँ से, अगर जैसे कवर ब्लॉक लेने हैं, एक पूरा रिसिप्ट एक फॉर्मेट होता है, उसमें लिखो कि इतने कवर ब्लॉक चाहिए, इस लोकेशन पे चाहिए, लेके जाओ, वो स्टोर वाला दे देता है। एडमिन और अकाउंट्स होते हैं, एडमिन अकाउंट्स वही चाय पानी का जुगाड़ करते हैं साइट पे, ठीक है, और बाकी भी काम होते हैं उनके, क्लियरेंस लेने का वो सब। सेफ्टी सेफ्टी टीम रहती है पूरी, कोई अगर अनसेफ काम कर रहा है,
हवा में लटक के कलाबाजी दिखा के काम करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको वो रोक देते हैं, वहाँ का पूरा काम रोक देते हैं। एक डिपार्टमेंट होता है प्लांट मेंटेनेंस एंड व्हीकल, ठीक है, वो प्लांट वो क्या करता है, वो कंक्रीट का प्लांट है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, मैकेनिकल के और इलेक्ट्रिकल के लोग होते हैं इस डिपार्टमेंट में, वो लोग हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी साइट पे सही जा रही है ना, ठीक है, कुछ ख़राब कोई मशीन ख़राब हो गई तो उसको रिपेयर करेंगे। फिर प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, वो सारी प्लानिंग करता है कि इस साल इस महीने में क्या क्या काम होगा, वो प्रोजेक्ट मैनेजर का एकदम राइट हैंड होता है प्लानिंग डिपार्टमेंट, वो उसके साथ पूरा कोऑर्डिनेट करके इन सब को मैनेज वो करते हैं, ठीक है। अब प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है उसके ऊपर होता है रीजनल ऑफिस, ये तो प्रोजेक्ट की बात हुई, वो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो रीजनल ऑफिस में जाके रीजनल हेड को रिपोर्ट करते हैं कि सर हमारा इतना काम होना था, हमने इतना कर दिया, हमको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करो, ठीक है। रीजनल हेड जो होता है वो जो हेड ऑफिस होता है वहाँ पे जाके रिपोर्ट करता है कि हमको सर ये काम करवाने थे और ये काम है, ठीक है। तो ऐसे प्रोजेक्ट मैनेज होता है, तो यही है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और यही बाकी तो एक्टिविटी और कैसे कैसे होती है वो अपकमिंग वीडियोस में हम लोग बताएंगे, लेकिन क्वेश्चंस भेजो, जितना क्वेश्चंस भेजोगे प्रैक्टिकल में उनमें से बेस्ट क्वेश्चंस में चूज करके बढ़िया वीडियो बना के भेजूंगा, जिससे सब लोगों को सही नॉलेज मिलेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन, जिससे क्या तुमको वीडियो का पता भी चल सके। बाकी क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट, अगर किसी को कोई और इसमें से सही समझ में नहीं आया तो कुछ मुझे लिख सकता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में या फिर मैसेज कर सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।